पटना से बड़ी खबर है, जहां पटना जिले के दियारा के स्कूल के 5 सितंबर तक बंद कर दिए गए हैं। 8 प्रखंड के 76 स्कूल बंद रहेंगे। डीएम चंद्रशेखर सिंह ने आदेश जारी कर दिया है। पहले 31 अगस्त तक बंद करने का आदेश था। जलस्तर में कमी नहीं आने पर यह फैसला लिया गया है, तो अब छुट्टी जो है वो बढ़ा दी गई है। दियारा के स्कूल 5 सितंबर तक बंद रहेंगे। 8 प्रखंड के 76 स्कूल बंद रहेंगे। डीएम चंद्रशेखर सिंह ने यह आदेश जारी किया है। बता दें कि पहले 31 अगस्त तक की तारीख थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 5 सितंबर तक कर दिया गया है, जब ये स्कूल बंद रहेंगे। जलस्तर में कमी नहीं आ रही है और इसी वजह से इस छुट्टी को बढ़ाया गया है। अमृतलाल मीणा बने बिहार के नए मुख्य सचिव बन गए हैं। आपको बता दें कि नए मुख्य सचिव ने पदभार संभाल लिया है। अमृतलाल मीणा ने सीएम नीतीश कुमार से शिष्टाचार मुलाकात भी की है। अमृतलाल मीणा ने ब्रजेश मेहरोत्रा के की जगह ली है। आपको ये भी बता दें कि अमृतलाल मीणा अब तक केंद्रीय कोयला सचिव के रूप में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर थे और अमृतलाल मीणा को केंद्र सरकार ने उनके मौजूदा पद से मुक्त करते हुए वापस मूल कैडर बिहार भेज दिया है। 1989 बैच के अधिकारी अमृतलाल मीणा साल 2021 के सितंबर में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर गए थे। अमृतलाल मीणा काफी तेज तर्रार आईएएस अधिकारी माने जाते हैं। इसके साथ ही केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने से पहले वो बिहार में पथ निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव थे और इसके पूर्व वो नगर विकास एवं आवास विभाग और पंचायती राज विभाग का दायित्व भी संभाल चुके हैं। केंद्र में ग्रामीण विकास मंत्री रहे रघुवंश प्रसाद सिंह के सचिव भी रहे हैं। पटना से बड़ी खबर, जहां बिहार में 16 अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है। हरजोत कौर समाज कल्याण विभाग की एसीएस बनी है। संतोष कुमार मल्ल जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव बने हैं। तो 16 अधिकारियों का ये तबादला, समाज कल्याण विभाग की एसीएस अब हरजोत कौर बनी है। इसके साथ साथ संतोष कुमार मल का ट्रांसफर किया गया है। बता दें कि संतोष कुमार मल जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव बने हैं। इसके साथ साथ प्रेम सिंह मीणा का भी ट्रांसफर किया गया है। प्रेम सिंह मीणा मगध प्रमंडल के आयुक्त बनाए गए हैं। पंकज कुमार पाल की अगर बात करें तो ऊर्जा विभाग की ये सचिव बनाए गए हैं। पंकज कुमार पाल का ट्रांसफर किया गया है। ऊर्जा विभाग के ये सचिव बने हैं। इसके साथ साथ लोकेश कुमार सिंह की अगर बात करें तो लोकेश कुमार सिंह का भी ट्रांसफर किया गया है। लोकेश कुमार सिंह अब वित्त विभाग के सचिव की जिम्मेदारी निभाएंगे।